जेके न्यूज स्टूडियो में सभी दर्शकों का स्वागत है। बिजली प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से पीडीडी डिपार्टमेंट के कई अफसरों ने हड़ताल कर दी है, जिसके कारण जम्मू के कई इलाकों में बिजली पिछले दो दिनों से गुल है। इस वजह से जम्मू के लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही है और काफ़ी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं, जिसको लेकर अभी डिवकॉम के ऑफिस में डिवकॉम के साथ पीडीडी डिपार्टमेंट के एमडी और चीफ इंजीनियर्स के साथ उनकी मीटिंग है और जिसमें एडिशनल डीजी मुकेश सिंह भी उनके साथ हैं। ये मीटिंग की जा रही है पिछले दो दिनों से जो ये बिजली बंद की गई है उसको लेकर, बिजली प्राइवेटाइजेशन को लेकर ये जो मीटिंग की गई है वो डिवकॉम के ऑफिस में हो रही है, जिसमें पीडीडी डिपार्टमेंट के एमडी और चीफ इंजीनियर और कई अफसर भी हैं इनके साथ ये मीटिंग होगी, जिसमें एडिशनल डीजी मुकेश सिंह भी शामिल है। ये मीटिंग चल रही है, इसको लेकर क्या परिणाम होंगे हम तो यही उम्मीद करते हैं कि परिणाम अच्छे ही होंगे और जल्द ही बिजली बहाल होगी, जो दो दिनों से जम्मू के लोगों को बिजली को लेकर जो मुश्किलें हो रही थी और जिसको लेकर कई जगहों पर प्रोटेस्ट भी किए जा रहे थे कि बिजली बहाल की जाए ताकि जो मुश्किलात आ रही हैं बिजली ना होने की वजह से वो जल्दी हल हो और जो आम जिंदगी है वो पटरी पर लौटे, क्योंकि बिजली के साथ कई काम जुड़े हैं। पानी भी भरा जाता है, टीवी देखा जाता है, बच्चों की पढ़ाई, जैसे कि पहले भी आपको बताया गया कि ऑफलाइन से ऑनलाइन हो चुकी है और मोबाइल ना चार्ज होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर भी इस चीज़ का खासा असर दिख रहा है। मौसम भी अब साथ नहीं दे रहा क्योंकि सर्दी भी लगातार दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। कल पारा 2 डिग्री था, जिसको लेकर काफ़ी लोगों के बीच में मुश्किल है। अब बिजली ना होने की वजह से जो लोग आम जनता इसके कारण सफ़र कर रही है। पीडीडी डिपार्टमेंट में पिछले दो दिनों से हड़ताल जारी है क्योंकि बिजली प्राइवेटाइजेशन का मसला है और इसको लेकर हड़ताल अभी जारी की गई है। अभी हैं हम इस टाइम डिवकॉम के ऑफिस के बाहर, जहां मीटिंग की जा रही है डिवकॉम के साथ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पीडीडी डिपार्टमेंट के कुछ अफसर्स हैं जिनकी मीटिंग हो रही है, जिसमें एडिशनल डीजी मुकेश सिंह भी शामिल है। अब ये मीटिंग कब तक चलेगी इसके बारे में हम कुछ समय निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि मीटिंग का जो परिणाम हो वो अच्छा हो, सबके हित में हो और जल्द ही जो बिजली की जो मुश्किलात है जम्मू में बनी हुई, कई इलाकों में जो बिजली पिछले दो दिन से गुल है, वो बहाल हो और जो ज़िंदगी है वो आम पटरी पर आए। कैमरामैन सुरजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।